वेलकम बैक टू माई चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। पता नहीं बाल कैसे हो रखे हैं। जस्ट मैं नहा के निकली हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है। रेडी मैं इसलिए नहीं हुई हूँ क्योंकि हस्बैंड को मेरे जाना है ऑफिस मॉर्निंग में सुबह सुबह, तो आज हम लोग जो अपनी पूजा है वो सुबह सुबह ही करने वाले हैं। आज नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, तो 9 दिन हमारे घर पे बहुत ही अच्छे से पूजा वगैरह होती है। जैसे कि जो लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हमारे यहाँ किस तरीके से पूजा होती है, बट जो न्यू हैं वो फर्स्ट टाइम मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपना खूब सारा प्यार दे। मेरे पूरे फेस पर एलर्जी हो गई है, पता नहीं अभी कैमरे में आप लोग को दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने कुछ भी मैं लगा भी नहीं सकती। पूरे फेस पे ना रेड 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 सा हो गया है। ऐसा होता है क्या प्रेगनेंसी में, मुझे प्लीज़ बताना कमेंट करके। इसलिए मैंने आज कुछ नहीं लगाया, फटाफट जा रहे हैं पूजा करने। रेडी होने का बिल्कुल टाइम नहीं है वरना हस्बैंड मेरे लेट हो जाएंगे। वो पूजा वगैरह करके कलश वगैरह रख के फिर उन्हें ऑफिस जाना है, मीटिंग है उनकी, तो इसलिए आज हम सारी पूजा बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माई सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली, मेरे सारे यूट्यूब फैमिली। और आप लोग कैसे हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड मैं एक स्पेशल चीज़ बताती हूँ आप लोगों के साथ, मैं लास्ट जो नवरात्रि थे उसमें भी मैं प्रेग्नेंट थी, मतलब बेबी हमारे साथ में टमी में था थी, और इस टाइम पे भी, तो दोनों नवरात्र मिल गए हमारे बेबी को, तो ये चीज़ बहुत स्पेशल है एंड काफ़ी अच्छी है। तो चलो चलते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं उसके बाद की बातें करेंगे। थोड़ा बहुत जो भी जैसे होगा वो सब चीज़ें मैं आप लोग से शेयर करूँगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि वैसे इधर उधर होना पड़ता है, मतलब थोड़ा बहुत काम वाम होता है पूजा के में, तो पता नहीं अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। सो चलो चलते हैं, चलो। मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मैंने मैंने पहनी है ये साड़ी। और मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप साड़ी बहुत अजीब तरीके से पहनते हो, पहले बहुत अच्छे से पहनते थे, इस तरीके के कमेंट्स थे। तो मैं उनको बता दूँ कि साड़ी मैं अब इस तरीके से इसलिए पहनती हूँ जिससे कि मतलब ये टमी वगैरह ढक जाए, अच्छा नहीं लगता ऐसे दिखता है, तो इसीलिए मुझे इस तरीके से अपनी साड़ी पहननी पड़ती है कि मैं मतलब साड़ी भी पहन लूँ और अच्छे से दिखे भी, कि कुछ वैसा ना दिखे, तो इसीलिए मैं इस तरीके से अपनी साड़ी पहनती हूँ। यहाँ पे मम्मी मंदिर साफ़ कर रही थी। मम्मी सबसे पहले सुबह सुबह हर नवरात्र में उठ के मंदिर साफ़ करती हैं, तो मम्मी यहाँ पे नहावा के बैठी हैं और मैं मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी, चीज़ें लाला के दे रही थी, तो मम्मी यहाँ पे मंदिर साफ़ कर रही थी। ये मम्मी ही करती हैं हर नवरात्र में सबसे पहले, क्योंकि मम्मी बहुत अच्छे से अरेंज कर देती हैं। और ये देख सकते हो आप लोग, आम के पल्लू जो कलश में डाला जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जहाँ पर। एंड देन यहाँ पे ये पूजा के सारे बर्तन हैं जो मिट्टी से धो रही हूँ मैं, मिट्टी से धोया जाता है, मिट्टी में हल्का सा सर्फ का जो सर्फ वगैरह होता है उसको डाल के, एंड पीतल के बर्तन में हमारे घर पे पूजा होती है तो उसको मैं वॉश कर रही थी। तो ये लोटा वगैरह, इसमें जल वगैरह चढ़ाना है तो इसी से चढ़ाया जाएगा। और मैं भी ऑलमोस्ट नहा लिया है, मतलब नहा के मैं भी रेडी हूँ, सिर्फ साड़ी पहना है और कुछ भी नहीं किया। आगे आप लोगों ने जैसे देख ही लिया कि मैं, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था मॉर्निंग में सुबह सुबह, तो इसीलिए सब कुछ हम फटाफट से जल्दी जल्दी कर रहे थे कि उनको लेट ना हो जाए, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी थी। और यहाँ पे मंदिर फाइनल मम्मी ने मतलब अच्छे से कर दिया अरेंज सब कुछ। देखो आप कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है हमारा मंदिर। मम्मी बहुत अच्छे से सजाती हैं, इसीलिए हमेशा ही मम्मी ही सजाती हैं। और फिर यहाँ पे पति देव जी,
उस टाइम मैं बोल नहीं पाई थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर बाद में दे रही हूँ। तो यहाँ पतिदेव जी कलश, इसमें हम लोग कलश में नारियल डाल के और पानी डाल के रखते हैं, तो वही पतिदेव यहाँ पे मेरे वो पानी डाल रहे हैं। तो इसको हम मंदिर में रखेंगे, इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे और चुन्नी। और जैसे कि आपको बताया, मैंने हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो इसलिए उनके लिए लंच भी देखना था पूजा के साथ साथ। तो यहाँ पर मैं मखाने घी में डीप फ्राई करूँगी, यही फास्ट में हम लोग ज़्यादातर हमारे यहाँ पे खाते हैं सब। मेरे हस्बैंड का 9 दिन का फास्ट है और पापा जी का 9 दिन का फास्ट है, बाकी सब ने फर्स्ट एंड लास्ट रखा है और मैंने भी अभी तक तो रखा है, बट देखती हूँ आगे जैसे हुआ रख पाऊँगी तो रखूँगी, वरना नहीं रखूँगी। और मखाने को यहाँ पर फ्राई किया था एंड चाय और साथ में पपीते कट करके लंच में रख दिया था, जैसे कि दिन में लंच वगैरह टाइम उनको भूख लगेगी तो वो खा लेंगे। तो सबसे पहले उनका लंच रेडी कर रही थी, अभी तक मैंने सोचा है कि मैं रख लूँगी क्योंकि फ्रूट्स वगैरह ये सब तो खाते हैं फास्ट में, तो अगर हो पाया मेडिसिन मैं खाऊँगी जो भी मेरी मेडिसिन चल रही है। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ ही मेरे पापा जी हैं, ये भी सब आम के पल्लू को बना रहे हैं। इसको हम लोग मेन जो डोर होता है हमारा गेट का फ्रंट, जहाँ से हम एंटर करते हैं वहाँ पे बांधते हैं, ये हर साल बांधा जाता है। अभी आप लोग देखना, मिस्टर हस्बैंड जाएंगे बांधने के लिए वहाँ पे लगाने के लिए, तो जो लास्ट ईयर का लगा हुआ है ना वो निकालेंगे। वो मैंने क्लिप भी ली है आप लोग से शेयर करने के लिए। तो ये देखो आप लोग, उन्होंने निकाल दिया वो पहले वाला एंड ये नए ताजे पापा जी ने बना के दिए हैं आम के पल्लू। बहुत शुभ माना जाता है इसको मेन गेट पे लगाना, तो ये यहाँ पे लगा रहे हैं। और ये जैसे कि देखो आप लोग निकाल रहे हैं एंड देन फिर ये लगाएंगे। अच्छा होता है, कुछ होता होगा जो लगाया जाता है, मुझे पूरा नहीं पता कि क्यों लगाया जाता है, बट कुछ अच्छा होने के लिए ही लगाया जाता होगा। कलावा में बांधा गया है इसको और बहुत अच्छे से पापा जी ने इसको रेडी करके दिया है, तो लगा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम सब मम्मी की साड़ी की तारीफ़ कर रहे थे। एंड मम्मी यहाँ पे टीका लगा रही हैं, मम्मी ही लगाती हैं, मम्मी ने सबको लगाया था, मुझे सबको, पूरी फैमिली मेंबर में सबको एक एक करके लगाया था। और यहाँ पे ये मिस्टर हस्बैंड को लगाएंगी, फिर मेरे देवर जी को लगाएंगी, तो इनका टीका थोड़ा इधर उधर लग गया था, तो ये बोलते हैं कि मम्मी मुझे फिर से लगाना आगे, क्योंकि इनको टीका लगाना बहुत पसंद है और ये सीरियसली टीका लगाने के बाद बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। लास्ट बार किसी ने कॉमेंट में बताया भी था, अभी आप लोग देखना और आप लोग बताना। तो ये देखो फिर से लगवा रहे हैं, फिर इनको कुछ गड़बड़ लगी तो फिर इन्होंने खुद से लगाया अपना टीका। और इसके बाद हमने आरती करेंगे यहाँ पे। पहले देवर जी मेरे पूजा कर रहे थे तो इनको तो पीछे से ये पीट भी रहे थे, ये ऐसे कर, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है क्या करना है। और ये पूजा बहुत अच्छे से करते हैं तो इनको सिखा रहे थे खड़े होकर वहाँ पे, ऐसे लगा, ये करो वो करो। हम सब हंस रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा इन दोनों का बॉन्ड बहुत अलग है, बहुत क्यूट से लड़ते रहते हैं दोनों पूरे टाइम पे, तो हंसी आती है इन दोनों की बातों पे बहुत ज़्यादा। एंड ये हैं बड़े भैया, मतलब ये मेरे जेठी लगते हैं, तो ये भी टीका लगवा रहे थे। और यहाँ पे सब कलावा बनवा रहे थे, पापा जी ने बांधा था सारे लड़कों को और मम्मी ने बांधा था हम सारी नहीं मुझे और भाभी को, बाकी तो कोई नहीं है, बाकी इन सबको पापा जी ने बांधा था। फिर मेरी टर्न आई थी पूजा करने की और वहाँ पे सब लोग खड़े थे। मुझे भी पूजा बहुत अच्छे से करना नहीं आता है, नहीं पता होता है कि कहाँ कब कैसे क्या करना है, बट दिल से ठीक है, मैं भगवान जी को मानती हूँ बट बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह नहीं कर पाती हूँ, तो बस। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। आज ना थोड़ा सा मेरी तबीयत लो सी भी लग रही थी, वो एलर्जी की वजह से पूरा फेस रेड हो गया था, तो अजीब सा ही चिड़चिड़ापन सा लग रहा था, तो इसीलिए मेरा फेस भी उतरा सा लगेगा आप लोग को। तो यहाँ पे मुझे भी मेरे हस्बैंड पीछे से सुना रहे थे, ये ऐसे करो ये ऐसे करो ये वैसे करो,
तो वही हम हंस रहे थे हम सब कि क्या ही है सब क्योंकि वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करते हैं, तो इसीलिए वो बोलते रहते हैं ऐसे करो। वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं करती। हम दोनों इस चीज़ में तो बिल्कुल अपोजिट, और भी बहुत सारी चीज़ों में अपोजिट हैं दोनों जने। सबसे इम्पॉर्टेंट जो जौ जमाना जिसे बोलते हैं, ये यहाँ पे जौ लगा रहे हैं, मतलब जो मिट्टी के साथ जौ के जो बीज होते हैं उसको लगा रहे हैं, ये लगाते हैं। और देखिए ना आप लोग कैसे, मतलब कितना बड़ा होगा आगे चल के जौ, वो आप लोग 9 दिन में आपको पता चल जाएगा। सो ये ऐसे करके और उसमें पूरा मिक्स कर देते हैं मिट्टी के साथ, एंड मिट्टी एंड रेत होता है, पूरा तो नहीं पता कि क्या होता है, मिक्स कर देते हैं और फिर पानी इसमें डाल के उसको अच्छे से मतलब कर देते हैं। हमारे यहाँ ये हर साल जमता है जौ, शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है जब जमना, और हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मतलब जम जाता है। स्पेशली मेरे जो मैंने आप बताया ही आप लोग को छोड़ो, और यहाँ पे मम्मी मुझे कलावा बांध रही थी और कुछ मैं बात कर रही थी अपने देवर जी से, तो वही तो मतलब मैं ये बोल रही थी ना कि हमने पहले ही पैर वैर छू लिए थे तो वो क्लिप नहीं ऐड किया था, तो यहाँ मेरे देवर जी कह रहे फिर से छू के दिखावा, फिर से छू के दिखावा, तो इसी बात पे हम हंस रहे थे क्योंकि वो क्लिप ऐड नहीं हो। तो वही मैं उनको बोल रही थी मतलब वीडियो बनाने के लिए मैं फिर से पैर छूँ, मतलब वीडियो बनाने के लिए मैं फिर से पैर छू के दिखाऊँ, तो वही हंस रहे थे हम लोग कि ये क्या है मतलब। तो यहाँ पे वो मम्मी भी इसी बात पे हंस रही थी, और फिर हमारे यहाँ की आरती स्टार्ट हो गई। सो फाइनली पूजा हो गई कंप्लीट, हमने कर लिया पूजा, कलश स्थापन कर दिया, जौ जमा लिए, सब कुछ हो गया, और पतिदेव ऑफिस भी चले गए, लेट नहीं हुए हैं, जल्दी में चले भी गए हैं ऑफिस। अब आप लोग को शायद दिख रहा होगा ये सब ना रेड रेड सा हो गया है, पता नहीं क्या रीज़न है। और जैसे कि मैंने पहले दिखा दी थी अपनी साड़ी कि मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बहुत हल्की है, और पता है आप लोगों को बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कमेंट करते थे कि इस तरीके से लूज़ लूज़ से ब्लाउज़ क्यों पहनते हो, तो नहीं पहना जाता है, पता नहीं क्यों नहीं पहन पाती हूँ मैं टाइट कपड़े, तो इसीलिए मैंने ना ऐसे ऑनलाइन लूज़ लूज़ से ब्लाउज़ मंगवा लिए हैं, वही मैं पहन रही हूँ, और साड़ी भी इसी ऐसे ही पहन रही हूँ कि मतलब ठीक ठाक लगे। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी किए थे कि ये कौन सा स्टाइल है ब्लाउज़ पहनने का, तो जो समझ सकते हैं कि मैं क्यों पहन रही हूँ वो ऐसी बात करेंगे ही नहीं, और जिनको समझ नहीं आ रहा है वो तो ऐसी बात करेंगे ही, तो छोड़ो उनको इग्नोर करते हैं। सो कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोगों को मेरा, मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके, एंड बहुत जल्दी बहुत अच्छा
अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है आप लोगों को। तो जल्दी जल्दी से चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, अपना खूब सारा प्यार दें। सांसें फूल रही है, जल्दी जल्दी बोल रही हूँ इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा थक गई हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।